नमस्कार। तारीख 10 जनवरी है और एक महीने बाद 10 फरवरी को चुनाव शुरू हो जाएगा। दो महीने बाद 10 मार्च को नतीजा आ जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस वक्त लखनऊ में टिकटों का बंटवारा हो रहा है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सबने इस बार एक नया वॉर रूम बनाया है। परसों तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। इस बार चुनाव ऐसे लड़ा जाएगा जैसे पहले कभी लड़ा नहीं गया। इस बार चुनाव का प्रचार भी ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। फिलहाल न रैली है, न रोड शो, न नुक्कड़ सभा होगी, तो फिर चुनाव लड़ेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये दोनों हमेशा नया सोचते हैं, नए तरीके से चुनाव लड़ते हैं। 22 के लिए भी बिल्कुल नई स्क्रिप्ट सोची गई है, जिसका आज श्री गणेश हो गया। मोदी प्लस योगी, यूपी में क्या यही फॉर्मूला है सबसे उपयोगी? विरोधी पैनिक में दिख रहे हैं, मोदी और योगी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, पहला हमला बीजेपी ने किया है। अखिलेश ने भी 10 मार्च भाजपा साफ का नारा बुलंद किया है। प्रियंका ने भी आ रही है कांग्रेस का टैक्स चिपकाया है। पोस्टर चिपकाना एक बात है, जीत जाना दूसरी बात है। ये नए तरीके का चुनाव है, इसे कैसे लड़ना है, इसे लेकर विरोधी खेमे में बहुत टेंशन है। अखिलेश, मायावती, प्रियंका, ओवैसी सब अपने अपने घर में बैठे हैं। भाईजान हैदराबाद से यूपी नहीं आ सकते। ओवैसी की सियासत ही अलग अलग चुनावी मंचों से चलती है। जब रैलियां होती हैं, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लिमिटेड है। प्रियंका फेसबुक लाइव से काम चला रही हैं। अखिलेश ट्विटर पर माहौल बना रहे हैं। सोचिए, चुनाव का ऐलान हुए 2 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक किसी भी मोदी विरोधी का वर्चुअल कैंपेन टेक ऑफ नहीं हुआ है। वो बस ट्वीट पर अटका है। जिसको लगा कि मोमेंटम उसके फेवर में बना, अब वही मोमेंटम टूटता दिख रहा है। प्रियंका अभी भी नफरत वाली स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। 22 के चुनाव के मद्देनजर राहुल की टाइमलाइन पर भी सेम टेक्स्ट है। यूपी के इस लड़ाई में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त ले ली है। मोदी भले ही यूपी ना जाए, यूपी वालों से जुड़ जरूर सकते हैं। कुछ घंटों बाद मोदी दिल्ली में बैठकर देश के युवाओं को संबोधित करेंगे और यूपी के यंग वोटर्स तक मैसेज डिलीवर करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है मोदी प्लस योगी, इस बार यूपी में यही फॉर्मूला है उपयोगी। पहली हेडलाइन पढ़ लीजिए, मोदी ने खेला कर दिया है। हेडलाइन नंबर 2 सबूत है, सोशल मीडिया पर चुनावी कैंपेन में मोदी ही किंग है। 22 के लिए मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई में किसकी डिजिटल सेना को एज है, कौन बैक फुट पर है, थोड़ी देर में आपको सब बताएंगे। पहले कुछ तस्वीरों का जिक्र करना जरूरी है। ये काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले गरीब मजदूर और जरूरतमंद हैं। कल तक इन्हें कड़कड़ाती ठंड में नंगे पांव ही बाबा विश्वनाथ धाम की सेवा करनी पड़ती थी। ये बात मोदी को पता चली और बिना किसी देरी के जूट से बने जूतों के 100 पेयर्स वहां पहुंच गए। ये है जरूरतमंदों और गरीबों से मोदी का कनेक्ट। वो उनकी पीड़ा समझते हैं और एक झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये काम कोई और नहीं कर सकता, तभी तो मोदी पर गरीबों का भरोसा बढ़ता है। हमारे तरफ से प्रधान सेवक को बार बार कोट कोट धन्यवाद है, जो कि हमारे बारे में सोचा। ये जो सूचना माननीय प्रधानमंत्री जी को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पता चली, तो उन्होंने स्वयं इसको गंभीरता से लेते हुए पहल करते हुए हम लोग को तत्काल जो जूट के ये बने हुए एनवायरमेंट फ्रेंडली और साथ साथ जो मंदिर की गरिमा के अनुरूप हैं, जिससे किसी के भावनाओं को भी ठेस नहीं लगता है और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी उचित है, उन तरह के उस तरह के स्लिपर्स का और जूतों का यहाँ पे हम लोग को उन्होंने भिजवाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन वाले दिन की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है। पीएम ने हाथ जोड़कर श्रमिकों को धन्यवाद कहा, 10 मिनट तक फूल बरसाते रहे, कुर्सी खिसकाकर खुद ही उनके बीच जाकर बैठ गए, श्रमिकों के साथ फोटो खिंचवाई।
उसी दिन की ये दूसरी तस्वीर देखिए। प्रधान सेवक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अंतिम रूप देने वाले मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखे। 2019 की वो घटना याद कीजिए, मोदी प्रयागराज में थे और तब उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। चुनावी मौसम में ऐसे छोटे छोटे संकेतों का महत्व काफी ज्यादा होता है और मोदी की इन कोशिशों का असर यूपी के हर वर्ग के वोटर्स के दिल और दिमाग में पड़ना तय है। चुनावी रैलियों पर फिलहाल फुल स्टॉप है, वर्चुअल वर्ल्ड और सोशल मीडिया पर सबका जोर है। विरोधियों की तुलना में मोदी यहां भी नंबर वन है और ग्राउंड जीरो पर भी मोदी प्लस योगी का ही फुल प्रिंट है। पहले इसके कुछ उदाहरण देखिए। दूसरी पार्टियां बस देखती रह गईं और चुनाव आयोग की पाबंदियां लागू होने से पहले ही मोदी ने यूपी में 13 बड़ी रैलियां कर दी। मोदी ने 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक पिछले 1.5 महीने के दौरान यूपी के हर इलाके में रैली की। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक पीएम की ताबड़तोड़ 13 चुनावी रैलियां हुई। प्रियंका गांधी पिछले 1 साल से यूपी में सक्रिय हैं, लेकिन बड़ी रैली नहीं कर सकी हैं। राहुल गांधी तो यूपी में एक जनसभा भी नहीं कर पाए हैं। अखिलेश यादव 2 महीने से राज्य में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बड़ी जनसभाएं नहीं कर पाए। मायावती सबसे कम सक्रिय हैं, उन्होंने अब तक महज 1 रैली और 3 बैठकें की हैं। इसके अलावा 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रैलियों की संख्या के लिहाज से फिलहाल तो मोदी योगी फॉर्मूला ही लीड में है, मगर अब होगी असली टक्कर, यानी चुनावी युद्ध का वो वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है, जबकि प्रियंका और अखिलेश अभी भी उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मोदी विरोधी खेमे की घबराहट का एक सैंपल देखिए। कांग्रेस आज दिन भर एक ही टेक्स्ट घुमाती रही, बीजेपी हेट फैक्ट्री चिल्लाती रही। ट्विटर टाइमलाइन यूपी की हो, मध्य प्रदेश वाली हो या छत्तीसगढ़ वाली हो, नैरेटिव सेम था। सबको सिर्फ मोदी को कोसना था, पॉलिटिकल माइलेज लेना था। यानी मोदी और योगी विरोधी पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रधानमंत्री पर सियासी अटैक कर रहा है, जबकि वर्चुअल वर्ल्ड में बीजेपी यूपी के वोटर से जुड़ने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर चुकी है। आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपके जेब में हो? मैं बताता हूं तरीका है उसका। मैं 24 घंटे आपकी जेब में उपलब्ध रहूंगा और आपकी हर धड़कन को मैं सुन पाऊंगा। आइए, मेरा और आपका निकट का नाता बनना चाहिए, आपका मुझ पर पूरे पूरा अधिकार है। टारगेट सेट है, यूपी के हर फोन में घुसने का लक्ष्य है। योगी अगले कुछ घंटों में संभव है कि आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल के दौरान ही मोदी और योगी से आपकी मुलाकात हो जाए। डिजिटल वॉर के लिए भाजपा की तैयारी 2 साल से चल रही है। अब तक सभी जिलों में मौजूद भाजपा दफ्तरों में अलग से आईटी दफ्तर तैयार कर लिए गए हैं। हर बूथ पर आईटी सेल से जुड़े एक कार्यकर्ता तैनात किए जा रहे हैं, तो हर जिले के पास आधुनिक सॉफ्टवेयर का अपना लाइसेंस है, तो पूरे प्रदेश को वर्चुअल कनेक्ट करने के संसाधन मौजूद हैं। बीजेपी के पास हर सूबे में 1.5 लाख बूथ लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। लोकल लेवल पर बीजेपी ने डिजिटल वॉर रूम बना रखे हैं, वहां बैठी टीमें सोशल मीडिया के जरिए लोगों का समर्थन जुटा सकती हैं। अब 3D Max स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी रैलियां करने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी भी डिजिटल प्रचार में हाथ पैर आजमा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, डिजिटल विंग खड़ी की जा रही है जो अखिलेश के संदेशों को नीचे तक पहुंचा सके। इसके लिए ओपन लिंक भी जारी किया है। अखिलेश की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभा और कार्यक्रम को लाइव भी किया जाता है। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस ने वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी पैठ बढ़ाई है, हमले तीखे किए हैं, लेकिन संकट पहुंच गया है। कांग्रेस की राज्य इकाई के ट्विटर हैंडल की बात करें तो उसके फॉलोअर्स की संख्या केवल 4,62,000 ही है। प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को अगर देखा जाए तो इस समय औसतन 20 से 25 ट्वीट हर दिन किए जाते हैं, लेकिन अगर इसकी रीच की पड़ताल की जाए तो 2000 से 2500 के बीच ही लाइक्स हर ट्वीट पर मिलते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो उसकी कही गई बातों की पहुंच ज्यादा ना हो पाने से कांग्रेस के प्रचार का वजन डिजिटल दुनिया में कुछ कम हो जाता है। आप भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री देख लीजिए, किसी भी नेता का एनालिसिस कर लीजिए, 2 चीजें ऐसी हैं जो मोदी के फेवर में जाती हैं। नंबर 1, मोदी टेक सेवी हैं और नंबर 2, सोशल मीडिया पर मोदी के टक्कर में कोई नहीं है।
एक लाइन में कहें तो इंडिया में सोशल मीडिया का पहला प्रयोग ही मोदी ने शुरू किया है। 2014 की जीत के बाद ब्रिटिश ऑथर लांस प्रिंस की किताब द मोदी इफेक्ट इनसाइड नरेंद्र मोदी कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया में मोदी के इस प्रयोग के बारे में काफी दिलचस्प जानकारियां दी गई हैं। किताब में मोदी को कोट करके बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी सुबह 5 बजे उठते ही 4 से 5 मिनट के भीतर अपना आईपैड खोलकर ऑनलाइन मैसेजिंग चेक करने लगते थे। किताब में इस बात का भी जिक्र है कि 1999 के चुनाव में मोदी ने पहली बार डिजिटल कैमरे का प्रयोग किया था। मोदी ने व्हाट्सएप को लेकर अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में भी बताया था और कहा था जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था उतना पॉपुलर नहीं था, तभी से मोदी ने अपने लोगों से संवाद के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आने को कह दिया था, क्योंकि मोदी को पता था कि भविष्य में व्हाट्सएप संचार का अहम जरिया होगा। कुछ दिनों पहले अमेरिका के इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रिसर्च जनरल ने 2019 लोकसभा चुनाव के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें पता चला कि 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान ही मोदी के 41% ट्वीट्स में बीजेपी और देश में हो रहे बदलाव का जिक्र था, जबकि मोदी के 17% ट्वीट्स कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल पर थे। मोदी के 13% ट्वीट्स में राष्ट्रवाद शब्द पर फोकस था, जिसने पब्लिक का मूड कैप्चर किया। उस दौरान मोदी औसतन एक दिन में 10 ट्वीट किया करते थे और स्टडी के मुताबिक किसी देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का इससे बेहतर प्रयोग शायद ही कभी किया हो। 19 की तरह 22 में भी सेम हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, इसकी कुछ वजहें भी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर तो चुनाव प्रचार होगा ही, पर उन वोटर्स तक पहुंचने का चैलेंज भी होगा जो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करते, और इसके लिए वॉइस मैसेज सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जो कंटेंट तैयार है उससे तत्काल वीडियो के जरिए युवाओं को परोसने की मुहिम शुरू हो गई है। बीजेपी ने युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रखा है, क्योंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा युवा ही है, और ये बात विरोधी खेमे को भी पता है। 2012 में मोदी ने गुजरात में जो प्रयोग किया, 2014 में उसे देश के कोने कोने में पहुंचाया, और तब बीबीसी में खबर छपी कि ये वर्चुअल नरेंद्र मोदी हैं। हर वेबसाइट पर मोदी के 3D अवतार के चर्चे, इंडिया से अमेरिका तक मोदी मैजिक वाली सुर्खियां, यानी पॉपुलैरिटी के मोर्चे पर, डिजिटल रैलियों के अनुभव के मोर्चे पर मोदी सबसे आगे हैं। योगी को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, और अब की बार वर्चुअल वर्ल्ड में प्रखर हिंदुवादी भी चलेगा, भगवाधारी भी दिखेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है 22 का, यही कॉम्बिनेशन सबसे फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। आज 10 तारीख है, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को 120 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल अभी भी बाकी है। अब इसका पुख्ता जवाब मिलेगा, ना केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी, ना पंजाब की सरकार कोई बहाना दे पाएगी, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि पंजाब में गलती किसकी थी। और इसका आधार बनेगा ब्लू बुक का पन्ना, जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हर एक डिटेल मौजूद है। पंजाब में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसके पीछे कौन है, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी पूछे गए और ब्लू बुक के पन्ने भी पलटे गए। पीएम की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसकी जांच भी हो रही है और सियासत भी, लेकिन सच क्या है, झूठा कौन है, ये सब ब्लू बुक में मौजूद है। एसपीजी कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा करेगी, पीएम के लिए क्या स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं, ब्लू बुक में पॉइंट बाय पॉइंट सारी डिटेल मौजूद है। ब्लू बुक दो तरह की होती है, एक ब्लू बुक में राष्ट्रपति की सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल होते हैं, दूसरी ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे करनी है इसकी डिटेल होती है। अगर कोई डीएम, पुलिस अधिकारी, राज्य का मुख्य सचिव कहता है उसको नहीं पता था पीएम के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ब्लू बुक हर आईजी, हर एसपी, हर डीएम, राज्य सचिव के पास होती है, हर किसी को इसको पढ़ना अनिवार्य होता है। जब इनमें किसी अधिकारी का तबादला होता है तो वो ब्लू बुक के मुताबिक अपना चार्ज हैंडओवर तक करते हैं। यानी पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को भी पता था जब पीएम पंजाब आएंगे तो किन किन प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और करवाना है, पंजाब सरकार को भी पता था और फिरोजपुर के एसपी को भी। ब्लू बुक के रूल नंबर 2 के मुताबिक
राज्य पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सारे इंतजाम करेगी। एसपीजी बेहद करीब से पीएम की रक्षा करेगी और एसपीजी पीएम के दौरे की जानकारी एजेंसी के साथ भी साझा करेगी। 5 जनवरी को ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कार्यक्रम के लिए पंजाब के फिरोजपुर जाने वाले थे, जो पहले से तय था। केंद्र और राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। दौरे से 2 दिन पहले 3 जनवरी को पीएमओ ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे की प्रेस रिलीज जारी की। 4 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी पंजाब दौरे को लेकर पोस्ट किया। 4 जनवरी को बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन से लेकर फिरोजपुर तक पीएम के काफिले का बाकायदा रिहर्सल भी किया गया। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई। इस रिहर्सल में पंजाब पुलिस भी थी, एसपीजी की टीम थी और सब कुछ ब्लू बुक के मुताबिक हुआ। ब्लू बुक के रूल नंबर 35 के मुताबिक पीएम के काफिले से कुछ मिनट दूर करीब 1.5 किलोमीटर आगे वार्निंग कार चलती है, जिसमें सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद होता है, जो रेडियो से पीएम के काफिले से लगातार संपर्क में रहता है। पीएम के काफिले का रास्ता क्लियर है या कोई गड़बड़ है, ये वार्निंग कार नोटिस करती है। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, चाहे वो देश के किसी राज्य में हो या फिर विदेश में, उनके ट्रेवल रूट की जानकारी संबंधित एजेंसी को दी जाती है। साथ में उनकी यात्रा के 2 रूट तैयार किए जाते हैं। अगर प्लान ए में कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत प्लान बी एक्टिवेट हो जाए। 5 जनवरी को भी ऐसा ही किया गया था। प्रधानमंत्री को दिल्ली से एयरप्लेन से बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचना था। वहां से वो हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाते। सुरक्षा के मद्देनजर इस रूट को रूट 1 माना गया। प्लान ए लॉन्च भी ऐसे हुआ। पीएम तय वक्त पर बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्लान बी एक्टिवेट किया गया। प्लान बी के तहत प्रधानमंत्री प्लेन से दिल्ली से बठिंडा आए। बठिंडा से रोड से हुसैनीवाला जाना था, फिर वहां से फिरोजपुर में रैली को संबोधित करते। लेकिन फिरोजपुर से 30 किलोमीटर पहले वो हुआ जो ब्लू बुक के नियमों के एकदम खिलाफ है। ब्लू बुक का रूल नंबर 9 कहता है, अगर प्रधानमंत्री ऐसी जगह जाते हैं जहां पर भीड़ जमा हो सकती है, तो इंडियन पुलिस एक्ट के अंडर सेक्शन 31 के तहत रास्ते को खुला रखने और भीड़ को काबू में रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इस दौरान पुलिस बैरिकेड्स करके जनता की सुरक्षा भी करेगी। लेकिन ऐसा पंजाब पुलिस ने नहीं किया। उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करने से हाथ खड़े कर दिए और पीएम को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ब्लू बुक प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत होता है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये तस्वीरें साल 2013 की हैं, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि तब तक वो देश के अगले पीएम की रेस में शामिल हो चुके थे, लेकिन जब मनमोहन अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी खुद उनको रिसीव करने आए। उनके साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव, हर कोई मौजूद था। खुद मोदी ने आगे होकर मोर्चा संभाला। जब तक तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह कार में बैठकर चले नहीं गए, तब तक मोदी उसी जगह पर खड़े रहे। सारे प्रोटोकॉल का सम्मान पालन किया गया। ऐसी तस्वीर भारतीय राजनीति की पहचान हुआ करती है। ऐसा ही पंजाब में 5 जनवरी को होना चाहिए था। पीएम के कार्यक्रम में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मौजूद रहना था। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की मौजूदगी जरूरी थी। पंजाब सरकार के क्षेत्रीय एमएलए को भी उपस्थित होना था, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। लोकल एसपी तक ने प्रोटोकॉल नहीं माने, जबकि ब्लू बुक का नियम 5 कहता है नियमों के पालन की जिम्मेदारी कराना डीजी आईजी की होती है। अगर शहर में कमिश्नर सिस्टम है तो कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। ब्लू बुक के नियमों का पालन नहीं किया गया। नतीजा सड़क पर ऐसी कंडीशन आ गई कि एसपीजी को पीएम की सुरक्षा के लिए कार को चारों तरफ से घेरना पड़ा। ऐसा पहली बार देखा गया जब एसपीजी के कमांडो की फिंगर ऐसे ट्रिगर पर है, ऐसे भीड़ में वो निकले हो। ऐसा तब होता है जब पीएम अंडर थ्रेट हो। इन एसपीजी कमांडो के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इनके कमांडो के नाम और डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनमें कितनी काबिलियत है ये जरूर बता सकते हैं। एसपीजी कमांडो के पास सबसे हाईटेक डेंजरस वेपन होते हैं। इनकी ट्रेनिंग आर्मी और एनएसजी के साथ होती है। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजे जाते हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ब्लेड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट, हर तरह की फाइट के महारथी होते हैं ये। यानी चाहे हथियारों के साथ लड़ना हो या फिर बिना हथियारों के पीएम की रक्षा करनी हो, एसपीजी कमांडो हर मोर्चे पर सक्षम है। आपने वीडियो में देखा होगा, 4 एसपीजी कमांडो पीएम की कार को कवर किए हुए, कुछ कार के अंदर मौजूद हैं, तो कुछ आसपास खड़े हैं। इनको सीपीटी कहते हैं, यानी क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिनमें सीनियर एसपीजी अधिकारी और कमांडो होते हैं।
एसपीजी का काम पीएम की सुरक्षा करना होता है, रास्ता खोलवाना नहीं। पीएम के रूट में क्या कोई प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, इसकी जानकारी जुटाना राज्य पुलिस इंटेलिजेंस का काम होता है। ब्लू बुक के रूल नंबर 12 आई के मुताबिक इंटेलिजेंस जुटाना आईजीपी और डीएसपी की जिम्मेदारी होती है। पीएम की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्टेट स्पेशल ब्रांच, जिला इंटेलिजेंस यूनिट, लोकल पुलिस स्टेशन तक का सक्रिय रोल होता है। अगर इनमें से कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता तो पीएम का काफिला ना रुकता, ना पहली बार देश के पीएम को ऐसे वापस जाना पड़ता। आप बार बार ब्लू बुक का नाम सुन रहे हैं, ब्लू बुक में क्या लिखा है ये आप जान गए, अब ब्लू बुक का इतिहास भी जानिए। ब्लू बुक अंग्रेजों के जमाने की सुरक्षा संबंधी कानूनी किताब है, जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा की सारी डिटेल होती है। उस वक्त ये किताब नीले रंग की होती है, इसलिए इसको ब्लू बुक कहा जाता है। ब्लू बुक में 1985 में एसपीजी एक्ट जोड़ा गया। ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नियम मौजूद होते हैं। जैसी ब्लू बुक है वैसी येलो बुक भी होती है, जिसमें देश के बाकी वीवीआईपी की सुरक्षा के प्रोटोकॉल लिखे हैं। 5 जनवरी को पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद सियासी गलियारों से एसपीजी पर कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई। अजब गजब सवाल उठाए गए कि एसपीजी ने खुद भीड़ को क्यों नहीं हटाया, एसपीजी ने पंजाब पुलिस से चार्ज अपने हाथों में क्यों नहीं लिया, एसपीजी ने जीपीएस से रूट मैच क्यों क्रॉस चेक नहीं किया गया। एसपीजी पर सवाल करने वाले एसपीजी की वर्किंग को बिल्कुल नहीं जानते। नेता लोग कह रहे हैं उनको तो एक कंकड़ भी नहीं लगा, हाँ, और बड़े सरकास्टिकली कह रहे हैं कि हम उनके लिए महामृत्युंजय जाप करवा देते हैं। बात वो नहीं है, बात है कि प्रोफेशनल रूप से आपने क्या किया। प्रोफेशनल चूक हुई है, पुलिस से चूक हुई है, प्रशासन से चूक हुई है और सबसे चूक हुई है। और आपने प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक एक बहुत हाई ग्राउंड पे होल्ड करके रखा, जहां वो क्लियर टारगेट हो सकते थे किसी के भी स्नाइपर के लिए, मतलब किसी भी ड्रोन के लिए। तो ये तो स्थानीय पुलिस उनको बताएगी कि आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं। अगर वहां कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन करने वाला कौन था? आप देखिए एसपी जो बगल का डिस्ट्रिक्ट है भटिंडा कह रहे हैं मेरे यहां से तो ठीक ठाक निकल गए, कोई बड़ा पदाधिकारी वहां है ही नहीं। और एसपी फिरोजपुर को निलंबित कर दिया क्योंकि वहां चूक हुई। आपने किसी एक आदमी को बलि का बकरा बनाकर प्रशासन में अपना दामन झाड़ लिया, ये क्या बात हुई? कोई वरीय पदाधिकारी वहां नहीं है, ईडी वहां नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है वहां पर, मुख्यमंत्री नहीं है, कोई नहीं है। इसको उस गंभीरता से लिया नहीं गया। पंजाब सरकार और कांग्रेस दोनों इस मामले की गंभीरता को जानती हैं, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दिया जा रहा है, नया एजेंडा सेट किया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है जो कुछ हो रहा है उसका ऑर्डर इटली से आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बाहर जाने की और भारत में होने वाले मामलों की एक टाइमलाइन शेयर की है, जिसमें साल 2020, 2021 और 2022 में राहुल के बाहर जाने और उसका इम्पैक्ट दिखाया गया है। बीजेपी गुप्त मीटिंग का नाम दे रही है। राहुल गांधी इटली गए हुए हैं और वहां से भी मोदी सरकार पर लगातार निशाना लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो राहुल गांधी ने एक बार भी इसका जिक्र करना तक जरूरी नहीं समझा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी गलती मानने की बजाय प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा में चूक की डिटेल दे रहे थे। राजनेताओं का काम राजनीति करना है, लेकिन एसपीजी जैसी सुरक्षा एजेंसी के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वप्रथम है। इसके लिए वो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।